गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो या गाइस, आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा खास होने वाला है। आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस भी कर लिया होगा। यस गाइस, आज मेरे बाल बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत मैनेजेबल लग रहे हैं एंड मोर ओवर बहुत ज्यादा नरिश लग रहे हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे इन नरिश बालों का राज। तो प्लीज गाइस, वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना एंड या आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड यस ऑफकोर्स, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो या गाइस, वी ऑल नो कि मार्केट में अभी हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लाइक बहुत ही सारे शैम्पूज है, कंडीशनर, सीरम्स, लाइक हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपने बालों के लिए क्या परचेज करना है। बट फिर भी जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट वाली बात होती है वो अभी भी मिसिंग है। बट फाइनली मुझे अपने बालों के लिए एक्स्ट्रा नरिशमेंट वाला प्रोडक्ट मिल चुका है। दीज आर बायोलाज डीप ट्रीटमेंट पैक्स। तो अभी आप लोग सोचोगे कि डीप ट्रीटमेंट पैक्स बेसिकली क्या होते हैं। डीप ट्रीटमेंट पैक्स आपके बालों में कंडीशनर से ज्यादा 90% नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जितना रिजल्ट आपको एक कंडीशनर लगाने के बाद आता है उससे यू कैन इमेजिन कि 90% ज्यादा आपके बालों में नरिशमेंट मिलती है, ज्यादा स्मूथ लगते हैं आपके बाल, फ्रिज फ्री लगते हैं एंड मैनेजेबल लगते हैं। सो ये जो तीनों वेरिएंट है गाइस, ये डिफरेंट डिफरेंट हेयर टाइप के लिए है, तो वो मैं आपको वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ। बट लिटरली यू कैन सी द रिजल्ट। आप जैसे ही एक बार अप्लाई करोगे आपको खुद को इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो या मैं वीडियो में आपको अच्छे से डेमो करके शो करूंगी कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है एंड ऑल। तो चलिए फटाफट से प्रोडक्ट की डिटेल जान लेते हैं और आपको मैं डेमो करके शो करती हूँ। सो या गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोलॉज डीप ट्रीटमेंट पैक्स आर द न्यू हेयर केयर सिस्टम फॉर द हेयर। दे आर पैक्ड विद द हेयर सुपर फूड एंड दे हैव द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केयरिंग इन्ग्रीडियंट्स। ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, विद इन 3 मिनट्स में आपके हेयर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ईच एप्लीकेशन गिव्स 90% मोर केयर देन ए कंडीशनर। यू कैन इमेजिन कि जितना कंडीशनर से आपको नरिशमेंट मिलती है उससे 90% ज़्यादा आपको नरिशमेंट मिलेगी इन डीप ट्रीटमेंट पैक्स को यूज़ करने पर। एंड लिटरली गाइज, अगर आज के टाइम में आपको घर बैठे प्रोफेशनल हेयर केयर चाहिए तो आप इनको ज़रूर से ट्राई करो। बहुत जेंटल है, बहुत स्मूथ फॉर्मूला है एंड मोर ओवर आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिश कर देता है। एंड गाइस, प्राइस की बात करें तो 350 रुपीज इसकी MRP है। 100 ml आपको क्वांटिटी मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वेरिएंट कौन से हेयर टाइप के लिए है। सो गाइस, जो फर्स्ट डीप ट्रीटमेंट पैक मेरे पास है दैट इज़ कलर लास्ट पैक। तो जैसा कि नाम से ही इंडिकेट है, ये कलर्ड हेयर के लिए है। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ ऑर्चिड एंड एप्रिकॉट सीड्स। तो ऑर्चिड बेसिकली आपके कलर्ड हेयर को वाइब्रेंसी प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं और एप्रिकॉट सीड्स के अंदर विटामिन के एंड विटामिन ई होता है जो आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है। सो गाइस, जो दूसरा डीप ट्रीटमेंट पैक मेरे पास है दैट इज़ स्मूथ प्रूफ पैक एंड ये फ्रिजी हेयर के लिए है। तो इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ कमेलिया प्लस कैस्टर ऑयल। तो कमेलिया बेसिकली आपके बालों में स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, स्मूथ प्रूफ बनाता है। तो अगर आपको फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है तो ये पैक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड गाइस, जो थर्ड वन है दैट इज़ अल्ट्रा हाइड्रा सोर्स पैक, ये पर्टिकुलर ड्राई हेयर्स के लिए है। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ एलोवेरा एंड स्प्रुलिना। तो एलोवेरा बेसिकली आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, स्प्रुलिना बेसिकली आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके बाल ड्राइनेस की वजह से टूट भी रहे ना तो ये वाला पैक सुपर्ब है। एंड गाइस, इसे यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली आपको इसको वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करना है, तो शैम्पू एंड कंडीशनर के बाद आपको इसे लगाना होता है। तो आपके बाल बहुत ज़्यादा वेट नहीं होने चाहिए, पानी नहीं टपकता रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरा बालों में से जितना भी एक्सेस वाटर था मैंने स्क्वीज आउट कर लिया है। बालों को आपको दो सेक्शन में डिवाइड करना है, देन आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है एंड उसके बाद आपके अपने बालों को ट्विस्ट करना है लाइक दिस। यस, इसके थ्रू क्या होगा, जितना भी हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से सारे बालों पे अप्लाई होगा। तो इस तरह से आपको हमेशा इसे अप्लाई करना होगा एंड यस, इसके बाद आपको नॉर्मल 3 मिनट्स तक इस प्रोडक्ट को अपने बालों में रखना है एंड देन आप नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो सकते हो। देखा कितना सिंपल है इसको यूज़ करना। एंड उसके बाद आपको यूज़ करना है एक सीरम। सो या यू कैन सी द रिज़ल्ट, बहुत सुपर्ब इसका रिजल्ट है गाइस। बाल बहुत सॉफ्ट, नरिश एंड मॉइस्चराइज लगते हैं। ड्राई हेयर है मेरे एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पैक चूज़ किया है, तो यू कैन सी द रिजल्ट। तो जो भी आपके बालों की प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग आप अपना डीप ट्रीटमेंट पैक्स यूज़ कर सकते हो।
सो गाइस जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। पहले मेरे बाल कितने ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी लग रहे थे, बट अभी काफी सॉफ्टनेस आई है बालों में, नरिशमेंट मिली है और बहुत ही मैनेजेबल लग रहे हैं। सो यस, जो भी लिंक्स रहेंगे प्रोडक्ट्स के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके प्लीज चेकआउट कर लीजिए, अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस। सो या गाइस, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्रीजी है और आपको एक्स्ट्रा नरिशमेंट की नीड है, तो यू कैन ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, दे आर रियली अमेजिंग गाइस। तीनों जो प्रोडक्ट्स के वेरिएंट है मैं आपको डिटेल में बता दिया है, अपनी हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बता देना, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।